नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान के अंतर्गत यूनिट संख्या थर्ड में कृषि वित्त से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन हम कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो क्लास में हमने कृषि वित्त के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें संक्षेप में अध्ययन किया। इससे पहले भारत में कृषि वित्त से आप क्या समझते हैं और कृषि का क्या महत्व है उनके बारे में हमने चर्चा की। आज हम इसी क्रम में अध्ययन करेंगे कृषि वित्त की कौन कौन सी कमियां हैं। कृषि वित्त की कमियां, कृषि वित्त की कमियां बहुत सारी हैं अपने भारत में। जो कृषि कार्य करते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी कमियों की हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम किसी भी संस्था या गैर संस्थागत स्रोत के माध्यम से कृषि कार्यों के लिए बढ़ोतरी के लिए हम पैसा उधार में लेते हैं तो उसके पारिश्रमिक के रूप में हमें ब्याज का भुगतान करना होता है, जो कि किसानों के लिए ये बहुत ही बड़ी विकट समस्या है। क्योंकि अगर हम किसी संस्थागत स्रोत या गैर संस्थागत स्रोत से पैसा जब लेंगे तो हमें बहुत अधिक ब्याज दर और महाजनों का प्रभाव, अपर्याप्त वित्त, भ्रष्टाचार, ग्रामीण साख और अनेक विभिन्न प्रकार की कमियाँ हैं जो कि हमें ये फेस करनी होती हैं। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे कृषि वित्त की कौन कौन सी कमियाँ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी संस्था या गैर संस्था के स्रोत से जब हम पैसा लेते हैं तो हमें अधिक ब्याज देना होता है, जिससे हम कृषि कार्य या कृषि कार्यों के लिए पैसा लेते हैं। उसके लिए गैर संस्था के स्रोत के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको कल बताया, महाजन, सेठ साहूकार, देसी बैंकर, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव महाजनों का प्रभाव होता है। महाजनों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ महाजन। सेठ साहूकार महाजन से हम पैसा लेते हैं तो वो अधिक ब्याज हमसे वसूल करते हैं और किसान सेठ साहूकार महाजनों से दबा रहता है शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के माध्यम से। दूसरी हम चर्चा करें कृषि वित्त की कमियों के अंतर्गत, अपर्याप्त वित्त व्यवस्था। अपर्याप्त वित्त व्यवस्था भी कृषि कार्यों की कमियों में या कृषि वित्त की कमियों में एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब किसान वर्ग कृषि कार्य जब करता है तो सबसे बड़ी कमियां, सबसे बड़ी समस्याएं अपर्याप्त वित्त व्यवस्था की होती है। अपर्याप्त वित्त व्यवस्था होने से कृषि कार्य बाधित होते हैं, कृषि कार्य आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक बड़ी विकट समस्याएं हैं। तो
अपर्याप्त वित्त व्यवस्था कृषि कार्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी करती है। तीसरी हमने चर्चा की, जब हम सेठ महाजन साहूकारों से पैसा जब लेते हैं उधार में, तो हमें अत्यधिक मात्रा में ब्याज देना होता है। तो एक सबसे बड़ी कमियां ये है, ब्याज का भार बहुत अधिक मात्रा में हमें ब्याज का भुगतान करना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा ब्याज गैर संस्थागत स्रोत के माध्यम से ली जाने वाली राशि पर देना होता है। गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत मैंने कल आपको बताया था, इसमें साहूकार, देसी बैंकर, महाजन, रिश्तेदार, दलाल आदि सम्मिलित है। तो ब्याज का भार भी एक महत्वपूर्ण है। एक सबसे बड़ी कमियां है, ऋण वितरण में पक्षपात भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। ऋण वितरण में पक्षपात, आपने ग्रामीण परिवेश या वैसे आपने देखा होगा, ऋण देने में काफ़ी समस्याएं हमें हमारे सामने उत्पन्न होती है, क्योंकि कोई भी व्यापारिक संस्थाएं ऋण देने में धनी व निर्धन वर्ग जो भी हैं उनमें पक्षपात करते हैं। तो ये भी एक हम किसान वर्ग को ऋण वितरण के पक्षपात में महत्वपूर्ण भूमिका या विभिन्न कमियों के सामने सहन करनी होती है। अगला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि जब हम कृषि कार्यों के लिए लोन लेते हैं तो भ्रष्टाचार का सामना करना होता है। तो भ्रष्टाचार भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार भी एक महत्वपूर्ण है। अगला, समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता, ये भी एक कमियाँ हैं, समय पर ऋण उपलब्ध नहीं होना। समय पर ऋण उपलब्ध नहीं, समय पर ऋण उपलब्ध नहीं होता है तो किसान कार्य अपनी मौसमी अनुसार फसल करने में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो समय पर ऋण उपलब्ध नहीं होता है तो रवि और खरीफ की फसल जब बोते हैं तो इनमें हमारे सामने बड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब रवि की फसल जब बोई जाती है तो उससे 2 महीने पहले हमें वित्त की आवश्यकता होती है, जिससे बुआई का कार्य, बीज और खाद हमें आवश्यकता में होती है। तो ऋण समय पर उपलब्ध न होने पर भी एक बड़ी समस्याएं सामने आती है। एक ग्रामीण शाख में कृषि का बहुत कम हिस्सा है। ग्रामीण शाख में कृषि का बहुत कम हिस्सा है, ये भी इसकी कमियों में सम्मिलित है। इसी क्रम में हम आज इसका अध्ययन करेंगे, ग्रामीण वित्त के स्रोत या कृषि वित्त की कमियों को किस प्रकार से हम सुझाव दे सकते हैं। तो कृषि वित्त से संबंधित सुझावों का हम संक्षेप में अपना अध्ययन करें। तो कृषि वित्त की कमियों को दूर करने हेतु सुझाव, प्रथम
हमने इससे पहले कृषि वित्त की कमियों के बारे में अध्ययन किया था, आज इससे विपरीत इनके हमें कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं जो कृषि कार्य को सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सकता है, जिसमें प्रथम है सहकारी साख व सहकारी विपणन में आवश्यक तालमेल। सहकारी साख एवं सहकारी विपणन में आवश्यक तालमेल। सहकारी साख और सहकारी विपणन में आवश्यक तालमेल बिठाना में बहुत आवश्यक है, ये भी एक इनकी सुझावों में सम्मिलित है। एक परस्पर समन्वय की भावना होनी चाहिए। कस्टमर बैंक के बीच में परस्पर समन्वय जब होगा तभी कृषि वित्त की कमियों को दूर किया जा सकता है। एक सहकारिता का प्रसार। सहकारिता के प्रसार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो कृषि वित्त की कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक सहकारी साख समितियों के पूंजीगत साधनों में वृद्धि। सहकारी साख समितियों के पूंजीगत साधनों में वृद्धि। सहकारी साख समितियों के पूंजीगत साधनों में वृद्धि का भी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब सहकारी साख समितियों का पूंजीगत साधनों में वृद्धि होगी तो कृषि वित्त हमें नहीं लेना होगा, तो हम आसानी से कृषि कार्य कर सकते हैं। पांचवें बिंदु की हम बात करें, कुशल प्रबंध होना चाहिए। संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए जब निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति जब हमें प्राप्त हो जाती है तो वह प्रबंध कहलाता है। कुशल प्रबंध तभी होगा जब प्रबंध के कार्य प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो, जिसमें नियोजन, नियंत्रण, अभिप्रण, समन्वय सम्मिलित हैं। कुशल प्रबंध होगा तब आसानी से कृषि वित्त की कमियों को दूर कर सकते हैं। एक जमा बीमा पद्धति। जमा बीमा पद्धति एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर जमा बीमा पद्धति का सहारा लब जब लेंगे तो हमें कृषि वित्त की आवश्यकता नहीं होगी। तो जमा बीमा पद्धति भी एक सहायक भूमिका का निर्वहन करती है। एक उपज ऋण पद्धति। उपज ऋण पद्धति भी एक सहायक भूमिका का निर्वहन होता है। उपज ऋण पद्धति एक महत्वपूर्ण पद्धति है, जो कि हम इस पद्धति के माध्यम से ऋण प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। तो इसी क्रम में अगला पॉइंट हो जाएगा ऋण प्रक्रिया को सरल। ऋण प्रक्रिया को जब हम सरल बना देंगे तो कृषि कार्य आसानी से हो जाएगा। एक नवा पॉइंट की हम बात करें, ऋण चुकाने पर जोर देंगे। जब हम कृषि कार्यों के लिए ऋण ले लेते हैं तो हमें वो ऋण चुकाना भी होता है, तो ऋण प्रक्रिया को चुकाने में एक अहम भूमिका होती है, तो जो कि सहायक होती है। एक किसानों को एक पज या किसानों को एक महत्वपूर्ण राहत या सब्सिडी के माध्यम से भी निर्वहन किया जा सकता है। इसी प्रकार आज हमने बहुत ही उपयोगी टॉपिक का अध्ययन किया, कृषि वित्त की कौन कौन सी कमियां हैं और उसके सुझाव
कौन से हैं। इस प्रकार हम कृषि वित्त की कमियों में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम कृषि वित्त के विभिन्न आयाम, कृषि वित्त से संबंधित अध्ययन करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।